Hey guys, welcome back my channel. और आज हम यहाँ पे बात करने वाले Realme C11 स्मार्टफोन के बारे में। ये वाला जो स्मार्टफोन है आपके लिए काफ़ी बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन रहने वाला है। और दोस्तों, ये वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं उसकी पूरी डिटेल में आगे वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले आपको एक मेरा जरूरी काम करना है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। Realme C11 स्मार्टफोन आपको दोस्तों यहाँ पे दो कलर वेरिएंट में अवेलेबल होने वाला है। पहला जो इसका कलर वेरिएंट है वो है रिच ग्रीन और दूसरा वाला जो कलर वेरिएंट है वो है यहाँ पे रिच ग्रे। और दोस्तों यहाँ पे इसकी डिज़ाइन एंड डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो इसकी डिज़ाइन आपको काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन में आपको ये वाला स्मार्टफोन अवेलेबल होने वाला है। और दोस्तों इसकी डिस्प्ले के बारे में पूरी डिटेल में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको 6.5 इंच की मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और दोस्तों ये इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो आप मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको 88% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों रही बात इसके बैक साइड के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलने वाला है। जो आपको यहाँ पे ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलने वाला है वो AI ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलने वाला है। उसमें जो पहला वाला इसका कैमरा रहने वाला है वो 13 मेगापिक्सल का और दूसरा कैमरा आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी जो फोटोग्राफी के लेवल है वो आपको यहाँ पे हाई फोटोग्राफी लेवल पे ये कैमरा आपको यहाँ पे रन होने वाला है। इस कैमरा के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे सुपर नाइट स्कोप मोड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों रही बात इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों इसके साथ आपको मीडियाटेक का हिलियो G35 प्रोसेसर यूज किया गया हुआ है। ये वाला जो प्रोसेसर है वो दूसरे कई सारे एंट्री लेवल स्मार्टफोन के कंपेयर में आपको कई अच्छा प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे जो इसका प्रोसेसर ऑक्टा कोर 64-bit का प्रोसेसर इसके में यूज़ किया गया हुआ है वो भी यहाँ पे 12nm टेक्नोलॉजी के साथ आपने आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये वाले स्मार्टफोन के बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको 5000mAh की जो बैटरी यहाँ पे मिलने वाली है वो मेरे ख्याल से किसी भी एंड्रॉयड लेवल के स्मार्टफोन के मुताबिक कई ज़्यादा आपके अच्छी बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी का दावा है कि यहाँ पे आपको 40 डेज का स्टैंड बाई कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आप ये वाले स्मार्टफोन के अंदर आप गेम प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे 12 आवर का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा और इसके साथ साथ आप मूवी प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे 31 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है। अगर आप इस पे कॉल करके इसका यूज़ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 31 आवर का बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये वाले स्मार्टफोन के अंदर सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे डेडिकेटेड सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे 2 SIM + 1 microSD कार्ड का स्लॉट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे microSD कार्ड की स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे अप टू 256GB का microSD कार्ड का स्टोरेज कैपेसिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों इसका जो एक बेस्ट फीचर्स है वो है यहाँ पे फेस अनलॉक। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको फेस अनलॉक का फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों मेरे ख्याल से किसी भी एंट्री लेवल स्मार्टफोन के अंदर आपको ये वाला फीचर्स देखने को नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों रही बात इसकी प्राइस रेंज की तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जो प्राइस रेंज रहने वाली है वो 7,499 रुपीज़ की इसकी प्राइस रेंज है। और इस प्राइस रेंज में इसका जो स्टोरेज वेरिएंट है वो 2GB रैम के साथ 32GB वेरिएंट में आपको ये वाला स्टोरेज वेरिएंट अवेलेबल होने वाला है। और दोस्तों अगर आप अंडर 8000 के अंदर आप कोई किसी भी स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए Realme का C11 स्मार्टफोन काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। दोस्तों ये था आज का पूरा ये Realme C11 का फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे।